पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के बयान पर इस्लामिक देशों की कड़ी आपत्ति के बीच नीदरलैंड्स के सांसद और पार्टी फॉर फ्रीडम के अध्यक्ष गीर्ट विल्डर्स का बयान सुर्खियों में आ गया है। गीर्ट विल्डर्स ने कई ट्वीट कर कहा, ये हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता के बयान पर इतनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत को माफी मांगने की क्या जरूरत है? डच सांसद गीर्ट विल्डर्स दक्षिणपंथी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि भारत को इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक अलग ट्वीट में उन्होंने लिखा, तुष्टिकरण कभी काम नहीं आता, इससे चीजें सिर्फ बदतर होती हैं। इसीलिए भारत के मेरे दोस्तों, इस्लामिक देशों से मत डरो, स्वतंत्रता के लिए खड़े रहो। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें अक्सर जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं, लेकिन धमकी देने से कुछ हासिल नहीं होता, वो सच कहना बंद नहीं करेंगे। नूपुर शर्मा और मोहम्मद को हैशटैग बनाते हुए मंगलवार को भी गीर्ट विल्डर्स ने ट्वीट करके कहा, पाखंडियों की मत सुनो, इस्लामी देशों में कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो अल्पसंख्यकों को सताते हैं और मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। दुनिया के कई मुस्लिम देशों से विरोध के बीच विल्डर्स के इन ट्वीट्स पर क्या रिएक्शंस आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या रिएक्शन है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।